अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके पास लाई हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी इजी बनने जा रही है। आपके पास मैंने तो पहले ले ली है प्याज, अदरक और लहसुन की कलियाँ जो कि छील ली, टमाटर ले लिए, उनको काट कर पेस्ट बना लिया है मैंने। सायरी में मैंने ले लिया है एक बॉल। पेस्ट हमें आप थोड़ा महीन भी कर सकती हैं, थोड़ा मोटा भी चल सकता है, क्योंकि ये सब्ज़ी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकती हैं। तो अब हम डालने जाते हैं प्याज, और अब प्याज को हम पेस्ट बना लेते हैं। और ये पहले मैं इसको धो लेती हूँ अच्छी तरह से। तो अब मैंने बाउल में, मैंने मिक्सर के जार में भी थोड़ा पानी ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिए ये प्याज, क्योंकि हमें बनाना है इसका पेस्ट। शलजम, हरी मिर्ची और धड़ा धनिया भी ले लिया। शलजम मैं बाद में काटूंगी, वो आपको नहीं दिखा सकती मैं। और ये मटर भी ले लिया है साइड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, हमने इसे धो भी लिया है, बाउल कर लिया है इसमें अच्छी तरह से, इसके पीसेस निकाल लिए हैं। शायद में मैं ले ली है शलजम, जो कि मैं गब्बा गब खा रही हूँ, क्योंकि शलजम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये बैगी भी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो मैंने ये तो पेस्ट बना ली है, तो मैंने आपको दिखाई दिया इसको क्यों दिखा रही हूँ। तो अब मैंने एक बाउल फिर से ले लिया है और उसमें अब मैंने प्याज का जो पेस्ट बनाया रखा है उसको ले लिया। और ये पेस्ट थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, मतलब मोटा मोटा, आप चाहें तो इसका थोड़ा महीन भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से मैं उसे आप देख कर बना सकते हैं कि आम में मटर, आलू और पनीर बनाने जा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आलू मटर आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने साइड में ले लिया है पनीर, और ये पनीर लगभग होगा 100 ग्राम होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पनीर ज़्यादा खाते हैं तो आप पनीर ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसे 4 पीस में कर लूँगी। तो 4 पीस के लिए पहले तो मैंने छुरी ले ली है और एक थाली ले ली है, या आपके पास कोई मतलब कोई पतला हो उस पर भी आप इसे काट सकती हैं। तो इस तरह से मैं इसके फेसेस करूँगी। तो पहले तो लंबा लंबा काटूँगी और इसके बाद मैं इसके फेसेस कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि पनीर कितना सॉफ्ट होता है, इसे मैं घर पे भी बना सकती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे घर पर भी आपको बनाकर दिखा सकती हूँ, क्योंकि पनीर बनाना तो बहुत इजी है, घर का तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसके बना लेती हूँ फेसेस, और ये 4 फेस में मैं कर रही हूँ छोटे छोटे। आप इससे बड़े छोटे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैंने ये सारे पीसेस एक प्लेट में रख लिए हैं, और रख दिया है पैन साइड में कढ़ाई, और वो रखा है गैस पर। डाल दिया है ऑयल, उसमें एक प्याली गरम मसाला डाल दिया है, लगभग होगा ये भी थोड़ा ही बहुत, या पनीर भी डाल दिया है मैंने, इसे तो पहले धो लिया था ठीक अच्छी तरह से। आलू भी ले लिए, आलू मैंने 4 पीस में काटे हैं, और इसे भी मैंने कर दी है कढ़ाई में ऐड। मटर भी ऐड कर दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। साइड में जो पेस्ट था मेरा, ओनियन एंड लहसुन और इन सब चीज़ का पेस्ट डालकर, हरी मिर्चे, धनिया, एक एक टीस्पून हल्दी भी डाल दी है, ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर दी। आप अपने हिसाब से मिर्चे डाल सकती हैं, हरा धनिया, हरी जो कि बारीक कटी हुई डाल दी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने का दही, आप बाहर का भी ले सकती हैं, क्योंकि मेरे पास घर का था, मैंने वो भी ऐड कर दिया। साइड में मैंने नमक भी ऐड कर दिया, और ये था 1 टीस्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। और अब मैंने इसमें गरम मसाला और मुर्गे का मसाला पिसवा था वो भी कर दिया, और इसे मैंने 10 मिनट के बाद देख लिया। तो माशाल्लाह कितना प्यारा बनकर ये तैयार हो गया। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक किया एंड कमेंट जरूर करें। क्या आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मैं दिखा देती हूँ आपको खाकर भी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, सॉफ्ट भी इतनी है। मैं लोग नई रेसिपी साथ अब तक लिए। अल्लाह।